झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में पक्ष रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को दो अलग अलग पत्र लिखे हैं। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का दावा है कि चुनाव आयोग को लिखे गए इन दोनों पत्रों में हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन अब इस चिट्ठी को हेमंत सोरेन ने अपने बचाव के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस पूरे मामले को लेकर हेमंत सोरेन की पार्टी ने बड़ा सवाल उठाया है और पूछा है, आखिर चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पास कैसे पहुंच गई। गोड्डा के भाजपा सांसद के ट्वीट के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया है, संवैधानिक संस्थाओं का बिकना महज एक संयोग नहीं, लोकतंत्र की नींव को खोखला करने की गहरी साजिश है। चुनाव आयोग को भेजा गया पत्र सांसद निशिकांत दुबे के हाथों तक पहुंचना संयोग नहीं हो सकता। जब ये पत्र सांसद के पास है तो चुनाव आयोग का राज्य के मुख्यमंत्री पर दिया गया तथाकथित मंतव्य भी इनके पास होगा। देश और झारखंड की जनता का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। रही बात हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर की, तो उनके द्वारा पुष्टि की जा सकती है। जेएमएम ने इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से भी संज्ञान लेने का आग्रह किया है। आपको बता दें, जेएमएम की तरफ से ट्वीट किया गया है, उसमें लिखा गया है, भाजपा से सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमानी सर्वविद्यमान सांसद आदरणीय निशिकांत दुबे जी, आपके पास सभी संवैधानिक संस्थाओं की चाबी रहती है। लोकतंत्र नैया के खेवनहार हैं आप। झारखंड के युवा और कुशल मुख्यमंत्री पर चुनाव आयोग द्वारा भेजा पत्र आपके पास अवश्य होगा। जो कार्य भवन से नहीं हो पा रहा है, उस कार्य को कृपया दूर करने का आप कष्ट करें। कृपया झारखंड की 3.25 करोड़ की जनता के भविष्य का संशय मिटाने का परम कार्य करें। इस चिट्ठी को लेकर झारखंड में फिलहाल खूब बवाल हो रहा है और निशिकांत दुबे जो भाजपा के साथ जुड़े हैं वो फिलहाल पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन मुद्दों पर कई तरह के सवालों का सामना निशिकांत दुबे को करना पड़ रहा है और फिलहाल इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।